नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोज़ देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो विदिशा ज़िला, यह ज़िला भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों में से एक विदिशा ज़िला के नाम से जाना जाता है। यह ज़िला मध्य प्रदेश राज्य के बीचों बीच यानी मध्य में ही मौजूद है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिलती है। इस ज़िले का हेड क्वार्टर ऑफिस विदिशा शहर में मौजूद है और विदिशा ज़िला भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है। विदिशा ज़िला के पड़ोसी ज़िला के बारे में हम आपको बताएं, इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि विदिशा ज़िले के कुल 5 पड़ोसी ज़िला हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भोपाल ज़िला, सागर ज़िला, अशोकनगर ज़िला, गोना ज़िला और रायसेन ज़िला है। विदिशा ज़िला में 12 तहसील, 7 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 23 पुलिस स्टेशन, 158 डाकघर, 3 नगर पालिका, 577 ग्राम पंचायतें, 8 शहर और 1524 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले का कुल क्षेत्रफल 7,361 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार विदिशा ज़िला की कुल आबादी 14,59,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 7,70,000 और महिला की कुल आबादी 6,89,000 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 919 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 919 महिला हैं। इस ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 86% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 14% है। विदिशा ज़िले के मुख्य नदी का नाम बीना नदी व बेतवा नदी है। बेतवा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 97 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 725 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का विदिशा ज़िला सड़क के माध्यम में बहुत ही अच्छा है और यहाँ की सड़कें मध्य प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों में पहुँचती है। इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 146, स्टेट हाईवे संख्या 19, स्टेट हाईवे संख्या 23 और स्टेट हाईवे संख्या 14 गुजरती है, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो विदिशा ज़िले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम विदिशा रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन यानी कि विदिशा ज़िला में कुल 10 रेलवे स्टेशन है और विदिशा रेलवे स्टेशन भोपाल डिवीज़न के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 77% है, यानी कि यहाँ के 77% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज, सुभद्रा शर्मा कॉलेज गवर्नमेंट, संजय गांधी कॉलेज। ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं, जो आसपास के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं।
पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के टूरिस्ट स्थल में शुमार नीलकंठेश्वर मंदिर, उदय शर्मा मंदिर, उदयगिरी गुफा, माला देवी मंदिर और यहाँ की सैयद शाह पीर बाबा शाह की मजार शरीफ से नामों से लोग काफ़ी वाकिफ होंगे। दोस्तों, विदिशा ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोस पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।